तो अब हम इस वक्त पहुंचे हैं जिला पंचायत वार्ड हडिया प्रभारी के एक सशक्त कैंडिडेट जिनका एक इतिहास रहा है दरबार कालेस से लेकर के और अब तक का काफ़ी इतिहास है। आज की पीढ़ी भले न जानती हो लेकिन उस जमाने के लोग बृजेंद्र मिश्रा क्या हैं, बृजेंद्र मिश्रा से लगभग हर कोई वाकिफ है और बृजेंद्र मिश्रा आज जिला पंचायत सदस्य हरदिया प्रभारी से एक सदस्य के पद के लिए सशक्त दावेदार हैं। आज हम उनसे वाकिफ होते हैं किन किन मुद्दों को लेके वो चुनाव मैदान में हैं। आदरणीय, इस चुनाव क्षेत्र के लिए हरदिया से आप कैंडिडेट हैं, क्या क्या आपके पास प्राथमिकताएँ हैं, किन किन प्राथमिकताओं को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? पहला तो मैं आपके ई न्यूज़ के साक्षात्कार के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से आपका साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से आप हरदिया पबाई वार्ड नंबर 2 के विभिन्न जगहों में आपका प्रवास हो रहा है तो आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और रही बात कि मेरी प्राथमिकता, तो भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का एक बहुत बड़ी भूमिका है। उस भूमिका के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था में आम नागरिकों के लिए जो मूलभूत सुविधाओं का एक तरीके से कह लें कि आवश्यकता होती है, उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मेरी वही सभी प्राथमिकताएं हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारधारा से समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्तियों के उत्थान के लिए, समाज के सर्वांगीण विकास में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आवागमन हो, चाहे वो सिंचाई की बातें हों, उनमें समग्र विकास के लिए हम संकल्पित हैं। और उसी के आधार पर हमारा ये निर्वाचन में उतरने का मेरा विज़न है, मेरा संकल्प है कि मैं उसमें इस क्षेत्र के समग्र विकास में अपनी महती भूमिका अदा कर सकूं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कार्यकाल, उस समय भी आप एक सशक्त जिला पंचायत सदस्य के रूप में उभर के सामने आए थे और उस समय का पंचायती राज और आज का पंचायती राज काफ़ी कुछ अंतर हैं, लेकिन वो विकास और आज के विकास को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। 2000 से 2005 में जिला पंचायत के भरतपुर वार्ड नंबर 1 से सदस्य निर्वाचित हुआ था। मैं उन मतदाताओं का भी आज आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने मुझे निर्वाचित करके सीधी जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व का मौका दिया था सेवा करने का। इससे बड़ा वार्ड होता था, आज 25 पंचायतें हैं, मैं 32 पंचायत का सदस्य रहा। और उस समय पंचायती राज व्यवस्था में एक कलंक साबित हुआ था जिला सरकार बना के, और उस जिला सरकार का भी मैं सदस्य रहा। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल भाग आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार, राष्ट्रीय सरकार जिस तरीके से क्षेत्र के विकास के लिए सर्वांगीण विकास में महती भूमिका अदा कर रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, आदरणीय मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी के द्वारा, और हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि माननीय सांसद महोदया जी का, आदरणीय माननीय विधायक जी की जो भूमिका है वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय और लोकप्रिय है। और इन सभी लोगों के क्रम को अगर देखा जाए तो ये लगता है कि वो योजनाएँ जो धरातल में उतरनी चाहिए, पिछले 8 वर्ष से चुनाव नहीं हुआ था, एक तरीके से पंचायती राज व्यवस्था की परिस्थितियां डामाडोल हो गई थी, चुनाव अत्यंत आवश्यक था। और मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरीके से काम को गति दे करके वो सभी लाभार्थी योजनाओं तक पहुंचना चाहती थी, तो चूंकि एक वैश्विक महामारी इतना बड़ा कारण बनी, कोरोना के बदौलत गतिविधियां धीमी हो गई थी। और आज फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में और क्षेत्रीय विकास की भूमिका में जिस तरीके का विकास द्रुत गति से माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, तो जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, वो लाभार्थी योजना के रूप में क्षेत्रीय जिला पंचायत के वार्ड नंबर 2 में घर घर में पहुंचे, घर घर की समस्याएं दूर हों, यही मेरा मानना है कि
पिछले जमानों के अपेक्षा आज की जिला पंचायती राज की व्यवस्था में लोकप्रिय सरकारों के बदौलत काफ़ी सरलता के साथ लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो रही। उदाहरण, जिस तरीके से आवास योजना है, जिस तरीके से खाद्यान्न योजना है, जिस तरीके से शिक्षा की बातें हो रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था घर घर तक उतरने में, योजनाओं के क्रियान्वयन में आज की सरकार बहुत सफल है, बहुत सफल है। तो अब अगर विजयन जी को, जैसा हमने सुना, जैसा उन्होंने बताया, अगर हम इन सब बातों को स्वीकार करें, देखें, तो अगर जिला पंचायत सदस्य हरदिया से निर्वाचित होकर सीधी पहुंचते हैं, तो जाहिर होता है कि एक बार फिर से सीधी में दरबार कॉलेज की खनक सुनाई देगी। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।